तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया तरीके से लिट्टी पक रहा है, और ये हमने बिल्कुल घर में ही कोयले पे पकाया है, एक लोहिए की कढ़ाई में इसे पकाया है। और ये देखिए हमारा ये जो बैगन का भरता है कितना बढ़िया ये भी बन के तैयार हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्पेशल तरीके से लिट्टी और चोखा की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने चार बैगन लिया, इसमें दो हमने भाटा बैगन, दो नॉर्मल बैगन लिया। आप चाहे तो सारे भाटा बैगन का भी बना सकते हैं भरता। तो इसे हम इस प्रकार से कट लगा देंगे। भाटा बैगन क्या है, थोड़ी देरी से सिझता है, पकता है ये, तो आप चाहे तो लंबे वाले बैगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो सारे बैगन हम कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए। और डालने के बाद आग में कट लगाने का मेन कारण ये भी है कि इसका जो पकने के बाद थोड़ी सी आवाज़ आती है तो इसके छींटे भी पड़ेंगे, तो इसीलिए हमने थोड़ी सी कट लगा दी। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने प्लेन तरीके से यहाँ पे बनाएंगे इसे। तो ये हमारा कोयला तैयार है और सारे बैगन को हमने डाल दिया है। तो सारे बैगन को हम डालने के बाद हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते रहेंगे ताकि हमारा जो बैगन है अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए फाइनली हमारा बैगन का जो कलर है ये देखिए चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से आप चारों तरफ इसे घुमाते हुए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और हमारा भरता अच्छे से बन जाए। तो अब देखिए फाइनली हमारा बैगन पक गया है। तो कुछ इस प्रकार से पकने के बाद दिखेगा, आपको महसूस हो जाएगा। तो अब हम निकाल लेंगे सारे बैगन को और उसके बाद फिर हम ये देखिए कितना बढ़िया हमारा भाटा बैगन भी पका है। तो अब हम यहाँ पे टमाटर भी पका लेंगे। टमाटर हमने तीन बड़े साइज का डाला है। तो टमाटर और बैगन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है इसका भरता। तो कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मटेरियल को। तो टमाटर को भी हमने इसी प्रकार से घुमाते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो फाइनली हमारा टमाटर भी पक गया है। तो अब हम यहाँ पर आटा लेंगे। आटा हमने आधा के जी लिया है और उसमें अजवाइन और मंगरेला आधी आधी चम्मच और नमक डाला है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्याज, हरी मिर्च और मटर के दाने, अदरक घिसी हुई और थोड़ी सी हरी धनिया को हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो मटर के दाने आप यहाँ पे ज़रूर डालें क्योंकि ये बहुत ही यूनिक तरीके से इसका फ्लेवर आता है इस लिट्टी में। इस प्रकार से आप शायद यूट्यूब पर कभी कहीं नहीं देखे होंगे कि इस तरीके से लिट्टी बना हुआ। तो आप इस प्रकार से डाल के बनाएं इतने मटेरियल को, बहुत ही बढ़िया और यूनिक तरीके से ये बनेगा और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगेगा। नॉर्मल लिट्टी तो आप बना के खाए ही होंगे बहुत सारे। तो देखिए फाइनली हमारा आटा भी लगभग गूंद गया है। तो थोड़ी सी और इसे हम पानी डाल के इसे तैयार कर लेंगे। तो अब ये देखिए फाइनली हमारा आटा बन के तैयार है। तो इसका आटा जो आप कड़ा लगाएंगे, ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। तो ये देखिए जितने भी हमने मटर प्याज डाले हैं, धनिया के पत्ते सारे अब दिख रहे हैं आपको। तो अब हम इसके गोल गोल शेप इसका देंगे लिट्टी का। आप चाहे तो गोल शेप दे के इसे हाथों के सहारे प्रेस करके थोड़े से बड़े आकार में भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे गोल गोल ही रखेंगे। तो शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से ये देखिए तो सारे लिट्टी को हमने बना लिया। ये देखिए मटर के दाने भी कितने बढ़िया ही लग रहे लिट्टी में। तो सारे लिट्टी को हमने देखिए शेप इसका दे दिया है। तब हम आग पे इसे पकाएंगे। तो उसके लिए हमने थोड़ी सी कोयला और इसे डाल के आग को तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे सारे लिट्टी को एक एक करके डालेंगे। और कोयले पे लिट्टी बहुत ही अच्छे से पक भी जाता है। तो ये हमने घर में ही जो कढ़ाई होती है घर में काम करने वाले सीमेंट वालों की, उसी कढ़ाई में हमने कोयले को जला के यहाँ पे लिट्टी पकाया है। तो ये देखिए आप लिट्टी को बारी बारी से इसे पलट करके पकाएं ताकि ये अच्छे से हमारा चारों तरफ लिट्टी अच्छे से पक जाए। आप चाहे तो ज़्यादा आपको हीट हो गया वो लिट्टी, तो आप चाकू की मदद से या चिमटे की मदद से भी इसे पलट सकते हैं। अब ध्यान से यहाँ पे पलटेंगे ताकि हाथ आपका जलने ना पाए। तो देखिए सारे
लिट्टी को हमने ये देखिए, तो लिट्टी हमारा ये कुछ लिट्टी हमारा पक गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए मटर के दाने भी कितने बढ़िया इसके इसका कलर आ गया है। तो ये देखिए फाइनली हमारा सारा लिट्टी बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम जो हमने लिट्टी हमारा बन गया है, तो अब हम बैंगन जो पकाया है उसके छिलके को निकालेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है, इसमें कोई तेल उल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं लोग कि तेल लगा के तभी निकालेंगे इसके छिलके, तो आसानी से निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब सिंपल तरीके से देखिए, हमने कुछ नहीं किया है, केवल उंगलियों के सहारे से सारे छिलके को हमने निकाला है। तो ये देखिए बहुत ही ईजी तरीके से ये इसके छिलके निकल जाते हैं। तो सारे बैंगन के छिलके को हमने इसी प्रकार से निकाला है, और टमाटर के छिलके को भी हमने इसी तरीके से निकाला है। तो ये देखिए फाइनली हमारा सारा बैंगन का छिलका जो है अच्छे से निकल गया है। तो इसके डंठल को हम निकाल देंगे इस प्रकार से। आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी पका हुआ है तो हम हाथों के सहारे इसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए भाटा बैंगन का भी छिलका ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये हमने इसलिए दिखा रहा है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको लगे नहीं कि छिलका कैसे निकलेगा, तो इसीलिए हमने दोनों को निकाला है। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये निकल रहा है इसके सारे छिलके को। और इसे पकाने के बाद पानी में ना धोएं, नहीं तो इसका टेस्ट निकल जाएगा। तो अब हम इसे इसके बीच में चीरा लगा के देख लेंगे कि कोई कीड़ा उड़ा तो नहीं है इसमें। तो आप बैंगन को इस प्रकार से इसे खोल के देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च, लहसुन और जीरा का तड़का लगा के अब उसी में हम डालेंगे सारे बैंगन को, टमाटर को। टमाटर के छिलके भी हम इस प्रकार से निकाल देंगे, केवल काले वाले भाग को हम निकाल देंगे जो जला हुआ है, बाकी हम इसमें रहने देंगे। तो सारे टमाटर को हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से। और यहाँ पे हमने दो मीडियम साइज़ का प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया यहाँ पे ऐड करके, इस प्रकार के आपके पास मैसर हो तो मैसर की मदद से आप इसे मैश कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप हाथों के सहारे भी इसे मैश कर सकते हैं। मैसर की मदद से ये बहुत ही अच्छी तरीके से रफली चॉप हो जाता है, और इसका जो है टेक्स्चर भी बहुत अलग हो जाता है। तो आप चाहे तो आपके पास इस प्रकार के मैसर नहीं हो तो आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन भी, मार्केट में भी इजी वे में मिल जाता है। तो नहीं हो तो आप हाथों के सहारे इसे मैश करके इसके भरते को बना सकते हैं। तो ये देखिए इस मैशर की मदद से हमने सारे भरते को इस प्रकार से बना लिया है। तो आपको भरते देख के फ्रेंड्स लग रहे होंगे ना बहुत ही टेस्टी बना है, शायद आपके मुँह में पानी भी आ गया होगा इस प्रकार के भरते को देख के, बहुत ही टेस्टी ये भरता बनता है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारा बैंगन का भरता बन के तैयार हुआ है। और बहुत ही जल्दी बन के ये रेसिपी तैयार भी हो जाता है। तो फाइनली हमारा बैंगन का भरता बन के तैयार है फ्रेंड्स, और हमारा लिट्टी भी बन के तैयार है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा फाइनली लिट्टी चोखा की रेसिपी बन के तैयार है, बिल्कुल स्पेशल तरीके से। तो अब हम एक लिट्टी को इसे तोड़ के आपको दिखाते हैं, और लिट्टी भी हमारा बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए मटर के दाने हमारे कितने बढ़िया से अंदर में पके हैं। तो फाइनली ये बन के तैयार है। तो हम मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक ले जय हिंद जय भारत।